हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज हम पारकिन अभिक्रिया पढ़ेंगे। पारकिन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब एरोमेटिक हैलाइडों को जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले अम्ल एन हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराने पर संघनन प्रक्रिया द्वारा अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। तो मतलब किसकी रिएक्शन हो रही है? एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है। और कैसा एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे? जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के रूप में हमने क्या ले लिया? उदाहरण के रूप में बेंजाल्डिहाइड ले लेंगे। ठीक है, तो बेंजाल्डिहाइड में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। और बेंजाल्डिहाइड एक प्रकार का क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अब इसको किसके अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे? एन हाइड्राइड कोई अम्ल है, उसके साथ क्या करवाएंगे? इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो अम्ल हाइड्राइड के रूप में क्या ले रहे हैं हम? देखो इधर, एसेटिक एनहाइड्राइड। क्या है? अम्ल एनहाइड्राइड के रूप में क्या ले रहे हैं? एसेटिक एनहाइड्राइड लेंगे। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी? क्षार की उपस्थिति में। तो क्षार कैसा लेंगे? ऐसा क्षार लेंगे जिसका सोडियम लवण हो। तो एसीटेट क्या है? क्षार है, और इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराना है, तो क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट क्या है? एक प्रकार का लवण है। तो ये टूटेगा तो क्षार में टूट जाएगा, तो क्षार के रूप में क्या लिया? सोडियम एसीटेट लिया। इतनी बात समझ आ गई? तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल के रूप में क्या प्राप्त होता है? एग्जाम्पल ये लें तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है? सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखो, ये तो कॉमन जो सामान्य रिएक्शन होती है ना, या सामान्य हम मान सकते हैं, ये तो वो लाइन है। उदाहरण हम ये लेते हैं, क्लास 12th में आपको ये दिया होगा, ठीक है ना, और जब आगे पढ़ोगे बीएससी में तो आपको ये दिया होगा। ठीक है, इसके लॉजिकल के अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम्पल लेओगे। आगे देखो, तो यहाँ पे क्या है? बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? जब बेंजीन वाला है, तो ये क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के अल्टरनेट क्या पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, बेंजीन वाले के ऊपर क्या आ जाए? CHO। क्या आ जाए? CHO। CHO समूह को क्या बोलते हैं? अब पूरा को क्या बोलेंगे? बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? बेंज एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंज एल्डिहाइड। अब आगे देखो, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम? रिएक्शन करवा रहे हैं एसेटिक एनहाइड्राइड। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? एसेटिक एनहाइड्राइड। एसेटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO CO CO CH3। इसका नाम क्या है? एसेटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? एसेटिक एन हाइड्राइड। क्या है ये? एसेटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, आगे क्या था? किसकी उपस्थिति में हो रही है? सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में। तो सोडियम एसिटेट, एसिटेट का सूत्र क्या होता है? CH3C00 और H लगाते तो क्या बन जाएगा? एसेटिक एसिड बन जाएगा। और सोडियम एसिटेट तो H की जगह क्या लगा दें? Na। तो किसका, किसकी प्रेजेंट में रिएक्शन हुई? सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट का ये फॉर्मूला हो गया। इतनी बात समझ आ गई? अब इसकी प्रेजेंट में रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनता है? अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। क्या बनता है? अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। तो वो कौन सा बन रहा है? सिनेमिक अम्ल। ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो सिनेमिक अम्ल बनेगा। सिनेमिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C6H5। यही है C6H5, समझ गए ना? ये वाला ही, ठीक है। तो C6H5 CH डबल बोंड CH सी डबल बोंड OOH। ये क्या नाम है इसका? सिनेमिक। क्या नाम है इसका? सिनेमिक अमल। क्या है? सिनेमिक अमल। इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? अल्फा बीटा असंतृप्त, असंतृप्त अमल भी बोल सकते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्फा और बीटा पोजीशन पर क्या है? डबल बॉन्ड है ना। तो मैंने क्या बोलता है? डबल बॉन्ड है, उनको क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं। जिनके बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो असंतृप्त चैन होती है, जिनके अंदर नहीं पाया जाता है सिंगल बॉन्ड वो क्या होते हैं? संतृप्त चैन होती है। ठीक है ना, तो ये अम्ल है तो इसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त अम्ल। इतनी बात समझ आ गई? और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? CH3 COO
एच बन जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या थी, सामान्य रिएक्शन थी, क्या थी, सामान्य रिएक्शन। अब ये बनता कैसे है, ये इसकी हम क्रियाविधि में देखेंगे, डिटेल से समझाऊंगा क्रियाविधि ये बना कैसे है। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि, ठीक है। तो क्रियाविधि में देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या होगी, स्टेप फर्स्ट में हमारे पास सोडियम एसीटेट था, तो सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O N A, ये क्या है, सोडियम एसीटेट है। पहले इसका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, O और N के बीच बॉन्ड टूट जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्यों आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, नहीं बार लिख देता हूँ, CH3 CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। इसमें नेगेटिव क्यों आएगा, किसकी, इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है, इसकी विद्युत ऋणता कम होती है, तो इसके लिए बोर्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन एटम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी या विद्युत ऋणता हाई होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज है। अब ये किसकी तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह, किसकी तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि हमने क्या लिया था, एसेटिक एनहाइड्राइड। अब एसेटिक एनहाइड्राइड और दूसरा बेंज एल्डिहाइड, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो देखना एक बार, CH3 CO 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 CH3, इसका नाम क्या है, एसेटिक एनहाइड्राइड, एसेटिक एन हाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एन हाइड्राइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हमारे पास क्या बना, ये बना एसिटेट आयन, तो एसिटेट आयन के साथ क्या करवा देंगे, हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे। और ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, क्षार की तरह, किसकी तरह कार्य करता है, क्षार की तरह, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो इसका सिंबल लिख दिया हमने। तो ये इसके साथ अब क्या करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, एसिटिक अम्ल बनाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O O H बनाएगा, ठीक है। ये H कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 H को ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये H इस नेगेटिव O के साथ जुड़कर क्या बनाया, एसिटिक एसिड बना दिया, क्या बनाया इसका नाम, एसिटिक एसिड बनाया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास ये बचा है CH3 C डबल बॉन्ड O O O, और यहाँ पे क्या आ गया, CH2 नेगेटिव, क्या आया, CH2 नेगेटिव आ गया। इसको क्या बोलते हैं, कार्बेनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, कार्बेनियन आयन, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बेनियन आयन, मतलब EM जुड़ा है तो नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बेनियन आयन का निर्माण हुआ। अब आगे क्या होगा कि हमारे पास ये कार्बेनियन आयन है, दूसरा क्या लिया था, बेंजल्डिहाइड। अगले स्टेप में क्या होता है, देखो एक बार इधर, यहाँ पे तो ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आया, H आया। अब ये जो कार्बेनियन आयन है, ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, CH2 CO O CO CH3, ये क्या है, कार्बेनियन, क्या है, कार्बेनियन, ठीक है। ये क्या था, बेंज एल्डिहाइड, क्या इसका नाम, बेंज एल्डिहाइड, क्या नाम इसका, बेंज एल्डिहाइड। अब ये इसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है बेंजल्डिहाइड के साथ। अब बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखो आगे प्रोडक्ट,
जहां से ये है ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक सिग्मा है और एक पाई, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है नेगेटिव है, देखो ये रहा नेगेटिव, ये क्या करेगा इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, एक मिनट रुको मैं एक बार आगे बताऊँ थोड़ा सा, देखो एक बार यहाँ पे, हाँ देखो मैं इसको C6H5 लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है शॉर्टकट में थोड़ा खोल के नहीं लिखा मैंने, तो C यहाँ पे क्या है मैंने बॉन्ड तोड़ा था ये वाला, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो O नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा CH2, ये कहाँ गया यहाँ गया, ठीक है तो यहाँ पे क्या आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O O और CO CH3, ठीक है इतनी बात समझ आ गई, और ये H ऐसे का ऐसे, ये वाला H ऐसे का ऐसे, इतनी बात समझ गई, इतना प्रोडक्ट समझ आएगा, मतलब इतनी मैकेनिज्म समझ में आई, आगे क्या होगी वही रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, अब क्या होगा H पॉजिटिव मतलब यहाँ पे एसिड की प्रेजेंट में क्या हो रही है रिएक्शन हो रही है, और एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है तो ये एच कहाँ जाएगा यहाँ से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा यहाँ से निकलेगा और ये ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, अगला प्रोडक्ट क्या बन गया C6H5 CO H CH2, ये एच ऐसे कैसे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है इतना लिख दिया जैसे का जैसा सेम टू सेम, तो ये H यहाँ से जुड़ गया तो क्या बना दिया OH बना दिया, मैकेनिज्म में पूरी ध्यान से पढ़ना, तो अब आगे क्या रिएक्शन होगी, आगे रिएक्शन होगी हमारे पास, देखो अब हमारे पास H2O मोलिकुल बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा H2O मोलिकुल यहाँ से बाहर निकला जाएगा, कैसे यहाँ पे जो CH2 है इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ H शो कर सकता हूँ, H2O बाहर निकालेगा, क्या निकाल दें ऐसे H2O बाहर, तो यहाँ से क्या निकला H2O बाहर, बाकी ऐसे का ऐसे C6H5C और यहाँ पे क्या है CO H C डबल बॉन्ड O O CO और ये CH3 ऐसे का ऐसे, ठीक है अब एक बात सुनो मेरी, यहाँ पे H है ऐसे कैसे, ये ऐसे O और यहाँ से H जब निकला तो दोनों की संयोजकता फ्री हो गई, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, क्यों इसके ऊपर पॉजिटिव होगा इसके ऊपर नेगेटिव, तो दोनों के मिलके क्या बना देगा डबल बॉन्ड का निर्माण किया, इतनी बात समझ आ गई, तो क्या बन गया डबल बॉन्ड बना, तो हमारे पास अगले स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की आ गई, अब आगे हमारे पास दोबारा से यहाँ से क्या होगा हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, मतलब H2O जोड़ देंगे, क्या कर देंगे H2O अटैचमेंट कर देंगे, जब H2O जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो एक बार ध्यान से पढ़ना C6H5 C डबल O H, देखो ये वाला है ना, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, कहाँ से टूटेगा ये वाला, ठीक है ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा C6H5 C H डबल बॉन्ड C H C O, ठीक है तो ये टूटा, तो H2 किस में टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटता है, तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा OH तो इसके साथ जुड़ जाएगा CO के साथ, तो क्या जुड़ गया OH जुड़ गया और H इसके साथ, तो क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या आ गया O और ये H क्या बन गया एसिटिक एसिड, अब देखना एक बार C6 ये इतना समझ में आ गया, मतलब ऐसे कैसे C6H5 CH CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH CO, अब यहाँ से OH इसके साथ OH इसके साथ, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CO CH3 CO O और ये H और ये H, ठीक है ये क्या है एसिटिक अम्ल, क्या है ये एसिटिक एसिड, क्या नाम इसका एसिटिक एसिड,
अब एक बात ध्यान से सुनना, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये किसका सूत्र है? सिनेमिक अम्ल का। क्या सूत्र है? सिनेमिक अम्ल जो हमारी जर्नल रिएक्शन के अंदर प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये सिनेमिक अम्ल, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल भी कहा जाता है। तो हमारी जो जनरल रिएक्शन है उसमें यही प्राप्त होता है। 12th के लिए और BSc के लिए दोनों के लिए प्रोसेस ही क्या कहलाती है? पार्किन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पार्किन अभिक्रिया कहलाती है।